फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं हमारे बीएड कॉलेज, तो हमने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं आप सबके लिए। बीच बीच में बहुत ही अच्छी अच्छी जगह आएंगी, हम सब दिखाएंगे आपको। मेरे साथ हैं मेरे पार्टनर। ओके, तो आपसे मिलते रहेंगे बीच बीच में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग अब मेरे को खुद ही बनाना पड़ रहा है इसको, क्योंकि अभी मेरे पार्टनर को आप देख सकते हैं कंडीशन थोड़ी मारी हो चुकी है, उल्टियां कर रहे हैं रास्ते में, तरह तरह के नखरे कर रहे हैं, वो है कि मैं बीमार हो चुकी हूँ। तो आगे का व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है। अभी स्कूटी से थोड़े से पीछे हैं, उनका हाल तो बहुत ही बुरा है, देख सकते हैं क्या करें। चलो आगे आगे मैं दिखाऊंगा आपको अच्छे अच्छे व्यू, इनसे तो अब बातें होंगी नहीं। गाड़ी भी चलाएंगे, व्यू भी दिखाएंगे, सब मिलते हैं आगे की जर्नी में। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं कोटी पुल के पास। तो यहाँ से आगे अब से दूसरी पड़ती है सुलोनी, और हमारे तीसा की बाउंड्री यहाँ पे ख़त्म होती है, और यहाँ से डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है। तो अभी हम निकल रहे हैं, आगे का व्यू देखिए। नीचे डैम चमेरा डैम भी यहाँ से शुरू हो जाता है लगभग, उसका पानी आगे मेरे एक व्हीकल चला है जिसे आपका भाई भी चलाता है आजकल। आई थिंक यहाँ पे न्यू पेट्रोल पंप बन रहा है, आप देख सकते हैं कोटी पुल के साथ में ही एक नया पेट्रोल पंप बन रहा है। बहुत कुछ चेंजिंग आ रहा है धीरे धीरे रोडों में, रोड के हाल भी यहाँ से नीचे कुछ अच्छे लग रहे हैं। तो आगे देखिए अब कितना सही व्यू है। तो दोस्तों, अभी अभी हम लचोड़ी पेट्रोल पंप पे पहुँचे हैं, तो ये तभी सो रहे हैं, और अभी हम गाड़ी का टैंक फ्यूल करवा रहे हैं। तो ये पेट्रोल पंप कोटी से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे है, लचोड़ी नाम की जगह। और यहाँ पे अभी पेट्रोल का रेट चला है 94.17 पर लीटर। तो फ्रेंड, अभी हम पहुंचने वाले हैं बलई। ये जो सामने ऊपर दिख रहा है चोटी के ऊपर टावर, और टावर का थोड़ा सा दिख रहा है, ये मंदिर है बलई माता मंदिर, बहुत ही फेमस है ये मंदिर हिमाचल में, तक या पूरे भारत में बड़ी मान्यता है माता की। तो ये भी ये घूमने के लिए अच्छा प्लेस है माता के दर्शन करने के लिए, अगर कोई आना चाहता है तो आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, लोकेशन बहुत ही मस्त है, ऊपर जाके वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी हम बस पहुँचे हैं और अब आगे निकलते हैं, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं बीएड कॉलेज, आपको बताया था, तो हम लेट हो जाएंगे। तो कभी यहाँ जाएंगे तो आपको ब्लॉग। तो ये है बलई माता का गेट, जहाँ से वहाँ के लिए रास्ता जाता है। ऊपर बहुत ही अच्छी जगह है, तो कभी टाइम लगे तो आइए यहाँ पे। बहुत ही अच्छा मंदिर है, डेकोरेशन प्लेस, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है, कभी टाइम लगे तो आना जरूर। तो आगे आगे दिखाते हैं और भी इंटरेस्टिंग प्लेस हैं। ये देखिए बाइकर्स जा रहे हैं राजपास के लिए घूमने के लिए। तो आगे आगे दिखाते हैं और क्या क्या व्यू मिलता है हमें, कौन कौन से अच्छे प्लेसेस हैं घूमने के लिए। अभी अभी हम बलई पहुँचे हैं, तो यहाँ पे एक वाटरफॉल आता है अभी, तो उसका व्यू दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है। लास्ट 2-3 ब्लॉग में पहले भी आ चुका है, और ये उसका व्यू,
सभी हमें थोड़ा कम हो चुका है गर्मी के कारण। यहाँ बहुत पानी आता है और ये तो मेरा डैम क्रॉस कर रहे हैं, ये डैम का व्यू है तो आप थोड़ा सा ही शूट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। ब्लर हो रहा है, ऑटोमेटिक करने की कोशिश कर रहा है जिसके कारण ये ब्लर हो रहा है। तो ये डैम है और साथ में टर्न है और कॉलेज। तो अभी हमारे पार्टनर भी नींद से उठ चुके हैं और हम जब पहुंचने वाले थे बीच में मैंने ट्राई की थी थोड़ी सी वीडियो बनाने की और बाकी तो गाड़ी चला के उतना दिखा नहीं पाया कि ट्रैफिक बहुत हो चुका है लॉकडाउन खुलने की वजह से। तो अभी हम जस्ट इंदौरा से थोड़े से पीछे पहुँचे हैं और साथ में यहाँ रोटी रात में आम के बगीचे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं जैसे पीछे आ रहे हैं। तो आगे मिलते हैं, हमारा काम हो चुका है कॉलेज में तो अब हम कॉलेज के बाहर हैं, हम निकल रहे हैं। ये कैंपस है छोटी सा, उसके बाद की कैंपस बैक साइड की तरफ है, उस तरफ हम गए नहीं है। दोस्तों हमें पठानकोट में थोड़ा बहुत काम था तो अब हम अपने घर की ओर निकल रहे हैं।